हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है, नाम तो आप जानते हैं, हाउस एक्सप्लोरर्स। हम क्या करते हैं दोस्तों, आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ ताकि आपकी सर्चिंग और परचेजिंग और ज़्यादा इजी हो जाए। अगर आप सर्च कर रहे हैं एक 3 BHK फ्लैट, बजट वाइज चाहते हैं कि उसका बजट कम हो लेकिन आपको लोकेलिटी अच्छी मिल रही हो, पार्क फेसिंग मिल रहा हो, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आने वाली है। इस प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे दोस्तों, ये रेनोवेटेड 3 BHK प्रॉपर्टी होने वाली है। साइज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं 1300 स्क्वायर फीट का साइज़ आ जाएगा। 3 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स देखने को मिलेंगे। लोकेलिटी हो जाती है आपकी नीतिखंड इंदिरापुरम। बात करें दोस्तों तो ये आपकी अपर ग्राउंड की प्रॉपर्टी होने वाली है। चलिए इसका वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, अगर मैं एंट्री से बात करूँ दोस्तों तो इसमें आपको ये डबल डोर देखने को मिल जाता है। आपको एक स्टील डोर आ जाता है और एक आपका वुडन डोर आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपकी डबल प्रोटेक्शन होने वाली है। देख सकते हैं हाइट इसकी अच्छी आ जाती है और इस पर जो भी आपके डोर हैंडल हैं सब मेटालिक डोर में आपको देखने को मिलेंगे। हल्का सा फॉयर एरिया देखने को मिलता है आपको। फिर ये आ जाता है आपका लिविंग रूम। जैसे कि हमने बात की, 1300 स्क्वायर फीट एरिया साइज में बना हुआ है, स्पेशियस होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अपना जो है आपका 7 to 8 सीटर सोफा आराम से आप फेस कर लेंगे, दिक्कत होगी नहीं। ये आपके सोफे की बैक वॉल होने वाली है, मेन वॉल आप इसे कह सकते हो। हाईलाइट किया गया है विद वॉलपेपर, अच्छा लगता है। फॉल सीलिंग का अगर आप काम देखें दोस्तों तो वो भी अच्छा दिखता है। बीचों बीच में शैंडेलियर आ रहा है, 2 प्रीमियम फैंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फ्लोरिंग की तो फ्लोरिंग में आपको सब डिजिटल विट्रीफाइड टाइल्स देखने को मिलेंगे। बात करें हम इसके लिविंग रूम के साइज़ की तो कहीं ना कहीं 17x13 स्क्वायर फीट का एक टेंटेटिव साइज़ आ रहा है, तो आपको अच्छा साइज़ मिलने वाला है। सामने की तरफ अगर आप देखें तो आपको ये टीवी पैनल देखने को मिल जाता है, ब्राउन वाइट का वर्क है, स्ट्रिप लाइटिंग आ रही है, खूबसूरत लगता है ये। अगर मैं दोस्तों इस वॉल की बात करूं तो देखिए इसको भी अच्छे से हाईलाइट किया गया है, अच्छा क्राफ्ट वर्क है। ये आपका वॉलपेपर लगा हुआ है लेकिन काफ़ी एलिगेंट लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इसकी और चीज़ों का हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे कि हम एंट्री करते हैं तो एंट्री से लेफ्ट साइड में हमें पहला बेडरूम देखने को मिल जाता है और 2 फ्रंट फेसिंग पार्क फेसिंग आपको बालकनी के साथ मिलने वाला है। 2 बेडरूम्स आपको मिलेंगे। तो पहले हम इस बेडरूम को चेकआउट कर लेते हैं, आइए। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा पहला बेडरूम। अगर मैं इस बेडरूम के साइज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसका साइज़ 10x10 स्क्वायर फीट का आने वाला है। ये आपकी मेन वॉल हो जाती है जिसको अच्छे से हाईलाइट किया गया है विद वॉलपेपर। तो ये आपका बैक ऑफ द बेड का वॉल होने वाला है। ये आपका बेड प्लेस होगा और ये आपके अटैच वॉशरूम के साथ में रहने वाला है। वॉशरूम्स का चेक कर लेते हैं, आइए। वॉशरूम में अगर हम बात करें तो ये आपके सारे ग्लॉसी टाइल्स लगाए गए हैं, अच्छा लग रहा है। इसमें भी सैनिटरी फिटिंग्स थोड़ी लगनी बाकी हैं, बाथ फिटिंग्स लग चुकी है। यहाँ पर आपका वॉश स्टेशन लगा हुआ है जो कि अच्छा दिखता है। यहाँ पर अभी कमोड लगना बाकी, वही वो लग जाएगा तो और अच्छा दिखेगा। स्पेशियस आपका ये वॉशरूम का साइज़ आ रहा है। कहीं ना कहीं साइज़ की बात करूँ तो 6.5x4.5 स्क्वायर फीट का एक साइज़ आ जाता है जो कि डे टू डे लाइफ के लिए ज़्यादा ख़राब नहीं है। वेंटिलेशन के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको विंडो दिया गया है जो कि आपको अच्छे से यहाँ से आपको एयर मिलती रहेगी, तो ये फ्लैट क्रॉस वेंटिलेटेड रहने वाला है। दोस्तों हमने सिर्फ प्राइसिंग की बात नहीं की, जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब इसकी करंट प्राइसिंग आ रही है कहीं ना कहीं 75 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। ऑन टेबल सारी चीज़ें टूटती हैं बिल्कुल, अगर आप इसे लेने का मन बनाते हैं तो ऑन टेबल सारी चीज़ें नेगोशिएट करती हैं। दोस्तों ये हो जाता है अपना किचन एरिया। किचन एरिया के पहले हम साइज़ की बात कर ले तो 8x6 स्क्वायर फीट का कुछ टेंटेटिव साइज़ निकल के आता है। एल शेप स्लैब देखने को मिलेगा, फुल्ली मॉड्यूलर किचन होने वाला है। ऊपर आपको फैन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं राइट साइड में, देख सकते हैं ये आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और आपका यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया गया है। प्री फिटेड आप अगर देखेंगे तो PNG कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो इसकी कुछ मेन USP हो गई। बाकी अगर हम देखें तो देखिए अच्छे से हाईलाइट किया गया किचन को, स्ट्रिप लाइटिंग आती है, खूबसूरत लगता है ये। यहाँ पे आपको सिंक एरिया देखने को मिल जाएगा, 100% स्टेनलेस स्टील में बनाया, कभी जंग नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप ये देखें तो दोस्तों जो सेक्शंस हैं आपके सारे के सारे HDMR क्वालिटी वुड में बनाए गए हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग रहने वाले, टर्माइट प्रूफ देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं सारे सेक्शंस जो है दोस्तों मॉड्यूलर टच में होने वाले हैं, डेडिकेटेड सेक्शंस दिए गए हैं इसमें आपको, तो अपनी जो चीज़ें हैं आप अच्छे से प्लेस कर पाएंगे। ये देखें साइज इतना है कि दोस्तों अगर आप इसको 3 लोग भी किचन को यूज़ कर रहे हो तो अभी भी आपको दिक्कत होगी नहीं, अच्छा साइज़ आ रहा है और अच्छे वुड में बना हुआ है। स्लैब अच्छा दिखता है, थोड़ा सा डस्टी हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ी साफ़ सफाई रहती है। तो दोस्तों ये तो हमने आधे घर को चेक कर लिया है, अब जो इसमें रह जाते हैं रिमेनिंग 2 बेडरूम्स रह जाते हैं और रह जाता है आपका ये एक वॉशरूम। चलिए आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाता है दोस्तों आपका
कॉमन वॉशरूम रहने वाला है जो कि लिविंग रूम से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके साइज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं 6x6 स्क्वायर फीट का एक टेंटेटिव साइज आएगा। देखिए ये भी ग्लॉसी टाइल्स आने वाले, सेम कलर के टाइल्स है जैसे अभी हमने वॉशरूम में देखे थे। इसमें आपको कमोड आ रहा है, वॉशेशन आ रहा है और शावर सेक्शन आ गया। अच्छा साइज आ रहा है, डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, तो ये अच्छे साइज में आ रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं दोस्तों उसका इसका सेकेंड बेडरूम। तो ये देख सकते हैं ये हो जाता है हमारा सेकेंड बेडरूम इस 3 BHK फ्लैट का। साइज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं 11x10 स्क्वायर फीट का एक साइज़ आ रहा है इसका, क्योंकि अच्छा साइज़ निकल के आता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ये आपकी मेन वॉल होने वाली है बैक ऑफ द बेड की, इसको अच्छे से हाईलाइट किया है। यहाँ पर बेड प्लेस होगा, इस तरीके से बेड लगेगा आपका और ऊपर देखिए फॉल सीलिंग का काम आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और क्या इसकी खासियत है दोस्तों, इसकी जो वार्डरोब है ना ये इसकी खासियत है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका डीप वार्डरोब है और ये आपके वॉल के अंदर रहने वाला है, तो बाहर कोई जगह लेगा नहीं, तो बाहर आपको मैक्सिमम जगह मिलेगी, जो जगह आपको बताई गई है उतनी जगह है। तो आप अपना किंग साइज बेड भी लगाएंगे अभी भी स्पेस आपको सफिशियंट मिलेगी। यहाँ पर देखें तो ये डीप वार्डरोब है, आपका सूट ब्लेजर्स आराम से आप इसमें हैंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखें ये आपको देखने को मिल जाता है बिग साइज विंडो, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आपको जो वेंटिलेशन है वो अच्छी मिलती रहेगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट भी मिलेगी वेंटिलेशन भी मिलेगी। बात करें दोस्तों इसकी फेसिंग की, तो इसकी फेसिंग हो जाती है ईस्ट, ईस्ट की तरफ फेस करता है, तो आपको सुबह की मॉर्निंग की आपको जो धूप है मिलेगी और ओपन टू स्काई बालकनी मिलेगा, वो भी आपको दिखा रहे हैं। चलिए पहले से थर्ड बेडरूम चेक करते हैं, वहाँ से इसका बालकनी चेकआउट कराएंगे आपको। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा थर्ड बेडरूम। बात करें इसके साइज़ की तो कहीं ना कहीं 12x10 स्क्वायर फीट का इसका साइज़ आने वाला है, साइज़ अच्छा मिल रहा है इसमें। अगर आप ये देखें तो बैक ऑफ द बेड में आपको ये वॉलपेपर का वर्क मिलता है, अच्छा लग रहा है ये। अगर हम देखें तो दोस्तों देखिए फॉल सीलिंग का काम आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, आपको फैन आ जाता है, चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं इसमें आपको। बेड यहाँ लगाएंगे तो आराम से अच्छे से प्लेस करेंगे आपको, फिर भी जगह आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप 6x6 का बेड लगाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपका बेड यहाँ तक ही आएगा, आपको ये प्रॉपर अच्छी जगह मिल जाएगी, वॉकिंग स्पेस अच्छी मिलेगी। और इसकी क्यों मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो वार्डरोब है आपका वॉल माउंटेड रहने वाला है, इस वजह से, क्योंकि देखिए वार्डरोब को वॉल के अंदर बनाया गया है तो बाहर कोई जगह लेता ही नहीं है, तो ये इसकी मेन यूएसपी में हो जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखिए विंडो देखने को मिलता है, ऊपर देखेंगे तो आप अपना जो है विंडो एसी आप इसमें लगा सकते हैं, सारी प्रोविजन है इसमें। जैसे कि हमने बात की थी दोस्तों ये पार्क फेसिंग होने वाला है, ये आपको बाहर का लुक एंड फील चेकआउट कराता हूँ। देखिए ये मिलने वाला है ओपन टू स्काई बालकनी के साथ में, आपको स्वर्ण जयंती पार्क फेसिंग आपको फ्लैट देखने को मिल जाएगा, ये अच्छी फेसिंग में आ रहा है, चीज़ अच्छी आ रही है। तो इसका अगर साइज़ की बात करें तो दोस्तों साइज़ भी अच्छा आने वाला है। देखिए अगर आप कहीं ना कहीं इसमें अगर 7 to 8 chairs भी लगाते हैं यहाँ पे तभी भी दिक्कत नहीं होगी, ऊपर अगर सीलिंग पर देखें तो अच्छा काम देखने को मिल जाएगा। चलिए हम कुछ इस पर कनेक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से जो मेट्रो की कनेक्टिविटी हो जाती है उसकी दूरी हो जाती है कहीं ना कहीं 2.5 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर। NH 24 बहुत नियर अबाउट होने वाला है यहाँ से, विद इन अ किलोमीटर आप NH अब 9 हो गया है वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। आनंद विहार काफ़ी नियर अबाउट हो जाता है, सेक्टर 62 में काम करते हैं तो वो भी काफ़ी क्लोज बाय होने वाला है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लेके आए। फिर से अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं प्राइसिंग अभी आती है 75 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। तो अगर आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चाह रहे हैं जो कि थोड़ा सा स्पेशियस हो, पार्क फेसिंग में आ रहा हो, ओपन टू स्काई बालकनी के साथ में मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आने वाली है। तो पार्किंग आने वाली है दोस्तों, इसमें रैंप पार्किंग के साथ में ही आएगा, नीचे भी काफ़ी इसमें कमर्शियल शॉप्स बने हुए हैं, चीज़ें अच्छी हैं, आप बाहर का देख सकते हैं कितनी अच्छी आपको वेंटिलेशन मिलती रहेगी यहाँ से, क्योंकि प्राइम लोकेलिटी में आ जाता है, नीति खंड में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉपर्टी 3 BHK, अराउंड 1300 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, नीति खंड में लोकेटेड है, प्राइसिंग हमने आपको बता दी है। अगर देखने का मन बना रहे हैं तो नंबर डिस्प्ले कर दिया है, नंबर पर कॉल करें और विजिट प्लान आउट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।